सहरसा जिले के बनमा इटहरी ओपी के प्रियनगर में एक व्यक्ति पर अपने ही साले की हत्या करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि 3 कट्ठा जमीन को लेकर दोनों में काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर दोनों के बीच कई बार बहस भी हो चुकी थी, लेकिन शनिवार को विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया जिसमें आरोपी ने अपने आपा खो दिया और साले की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रियनगर में ये पता चला कि ये मारपीट हुआ, जब बनमा इटहरी से जब फोर्स गए तो पता चला कि ये मतलब जो है डेड बॉडी है घर में, और ऊपर बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है सहरसा भेजा गया है। और इस खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहरसा संवाददाता सरफराज जुड़ चुके हैं। सरफराज, इस व्यक्ति पर अपने ही साले की हत्या करने का आरोप लगाया, जाना चाहेंगे विवाद क्या है और अब तक इस मामले में किस तरह की कार्रवाई हुई है? देखिए, ये मामला जो है सहरसा जिले के बनमा इटहरी प्रखंड के प्रियनगर की है, जहाँ एक विजय ने अपने ही साले को कुल्हाड़ी से गले में प्रभाव कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद जो है वो हो रहा था और 3 कट्ठे का जमीनी विवाद चल रहा था। जमीन को लिखित जमीन का जो होता है नापी के लिए और नाम के लिए जो है वो कर रहा था, जिससे विवाद हुई थी। उसी को लेकर जो है 45 वर्षीय साले राजू कुमार को जो है उनके ही जीजा मोहन यादव ने कुल्हाड़ी से प्रभाव को उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस जो है मामले तुरंत से कार्रवाई करते हुए जीजा को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज आपका इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक व्यक्ति पर अपने ही साले के हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। जमीनी विवाद में इस हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।